नमस्ते नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका हमारा कमलेश कोहली सर हाँ कमलेश कोहली कमलेश कोहली हुकुम कोहली जी जी ये करीना जी को पहचाना आपने नहीं पहचान कल देखिए हम आपके घर में आए हैं अरे सर आप बिन बुलाए मेहमान बन गए हैं कोई गलत तो नहीं किया नहीं नहीं हाँ संतोषी अरे बड़ी प्यारी बच्ची है तो संतोषी रामबती रामबती और आपका कमलाबाई नमस्ते मैं ये भी उतार देता हूँ पहला स्थान मेरा वाराणसी था जी दूसरा स्थान मेरा ये जी, चंदेरी जी, और चंदेरी के बगल में ये आपका गांव पड़ता है हाँ जी प्राणपुर मुझे करीब 2 साल पहले एक लेडी मिली थी जी, और उन्होंने मुझे बताया था कि यार भारत देश में जो जुलाए हैं जो जी, वीवर्स हैं जी, जी, वो उनकी समस्याएं ठीक नहीं है जी, काफी उनकी हालत खराब है क्योंकि काम कम हुआ जा रहा है और उनको आमदनी भी कम मिल रही है ऐसे मैंने सुना बिल्कुल सर सही है तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप उनके बारे में कुछ सोचिए कुछ कीजिए क्योंकि मैं फिल्म स्टार हूँ तो हो सकता है मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूँ लोगों तक ये आपकी समस्या पहुँचा सकता हूँ मैंने एक और चीज़ पता की कि जो देश भर में जो सबसे ज्यादा प्रोफेशन में लोग हैं वो है फार्मिंग किसान सबसे ज्यादा 2 नंबर पे जुलाहे आते हैं या बुनकर आते हैं इतने सारे बुनकर हैं देश भर में मुझे अभी आप बताइए आपकी क्या समस्या है जो आप काम करते हैं आपका क्या आमदनी क्या होती है दिन में आमदनी 50 रुपये से कोई ज्यादा नहीं पड़ता है सर मेरे को 46 साल होंगे बुनते बुनते हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं आगे इनको माने कॉलेज नहीं भेज सकते एक साड़ी आपको कितने दिन लगते हैं बनाने में साड़ी तो जी इसके ऊपर अभी एक बच्चे ने साड़ी बनाई हम बताएंगे आपको 3 महीने में 2 जनों ने साड़ी बना पाई एक साड़ी 3 महीने के अंदर 4 साड़ी बनाई थी 2 लोगों ने 3 महीना काम किया तो एक साड़ी बना पाई सर और ये कितने में बिकती है मार्केट में अब मार्केट तो भाई सेठों के ऊपर है हमें कुल में 6,500 रुपये मजदूरी दी थी 6,500 3 महीने में 2 जनों को तो आपको मिले 3,500 जी 3 महीने के जी तो मतलब 1 महीने का वो 1,000 रुपये 1,000 रुपये मार्केट में कितनी बिकती है वो तो सर का 20 में बेच दे 20,000 25,000 में बिकेगी ये सर जो आदमी बेचता है आपके लिए वो भी एक अहम काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन का लेकिन अगर 25 में बिकती है कोई भी साड़ी तो कम से कम उसका आधा तो मिलना चाहिए आपको तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका वो अगर बेहतर हो जाए तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है जी ना सिर्फ आपकी मतलब मैं कह रहा हूँ देश भर में जितने लोग बुनकर बुनकर जितने बुनकर हैं यहाँ पे मैं लाया हूँ करीना जी को जी इनको मैं क्यों लाया हूँ इनको मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टार है जी बहुत बड़ी स्टार और जो लोग कपड़े पहनते हैं देश भर में जी वो इनको देख के पहनते हैं जो ये पहनती है वो पूरा देश पहनता है तो मैंने इनको नहीं नहीं सच बात कह रहा हूँ जब ये वापस जाए तो ये कपड़े जो है हाथ के बने हुए कपड़े पहने सिर्फ साड़ी क्यों बने हाथ से स्कर्ट भी बन सकती है हाथ से मैं सूट पहनूंगा 3-पीस सूट पहनूंगा वो भी जो है हाथ का बना हुआ बन सकता है हम चाहते हैं कि लोगों को ये जानकारी मिले उनका इसमें दिल लगे उनको लगे कि ये भी फैशन की चीज है ये भी हमें पहनना चाहिए तो ये सीखा कैसे आपने पुश्तानी धंधा है सर बुजुर्गों से सीख चले आ रहे हम सीखे बच्चे सीख गए बच्चों से आगे चले आपने अपने पिताजी से जी हमारे बच्चे हम साड़ी बनाते हैं तो भी साड़ी बनाना सीखेंगे करेक्ट सीखेंगे नहीं सीखेंगे ऐसा आपका धंधा मतलब फिल्मों में काम करना है ऐसे आपके बच्चे तो उसी में भी सीखेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं तो अपने पिताजी से चाचा से मैंने जो सीखा काम सीखा उन्हीं से सीखा तो आप भी ऐसे ही अपने बुजुर्गों पीढ़ी बुजुर्गों से ऐसे से चली आ रही है बस बुनने का काम सीख रहे तो 1 महीने में एक साड़ी भी हो जाए तो 3 महीने में हो जाए 1 हफ्ते में भी हो जाए 2 दिन में भी हो जाए ये तो लेबर चार्ज के ऊपर है माने जिस साइज में मेहनत काम हुई उतनी इसका काम बढ़ता कम मेहनत है तो 2 दिन में दो दिन में बन जाएगी और इनकी 8 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने 3 महीने से ऊपर भी लग सकते धागा यही रहेगा सब यही रहेगा माने कलाकारी बढ़ती जाएगी और ये कला जो है ये हिंदुस्तान की शान है शान है सर हिंदुस्तान की कला और जो हाथ से ही काम और मशीनें काम नहीं कर रहे स्वयं हाथ ही काम करते हैं जो बुनकर लोग हैं उनके अंगूठे अंग्रेज जो थे वो उनके अंगूठे काट देते थे ताकि वो हिंदुस्तान का जो कला है वो चली जाए वो खत्म हो जाए और जो उनके जो मिले हैं वो खूब कामयाब हों तो लेकिन हिंदुस्तान के तो बुनकर को खत्म नहीं कर पाए और ये कला अभी जारी आज भी जारी है सर और मैं चाहूंगा जी कि जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम वो ये समझें कि ये कला है हिंदुस्तान की और जो हमारे जो द यंगस्टर्स हैं आई वांट द यूथ ऑफ दिस कंट्री टू टेक दिस फॉरवर्ड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म दैट वी हैव इन आवर कंट्री ये बहुत ही कमाल की कला है हमारे देश की
जो हमारे देश की शान है, और हम जो भी कपड़े पहनना चाहें, शर्ट हो, मॉडर्न कपड़े भी हो, उनके कट मॉडर्न हो, लेकिन वो हाथ के बुने हुए हो तो हमको मजा आएगा।